शाह सतनाम जी बॉयज कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स व सहायक प्रोफेसर ने वीरवार को रक्तदान कर एनसीसी दिवस मनाया। जानकारी देते हुए कॉलेज के एनसीसी यूनिट प्रभारी डॉ. कमलजीत लाखनलाल ने बताया कि 21 नवंबर को एनसीसी डे के मौके पर महाविद्यालय के 22 कैडेट्स व 2 प्राध्यापकों सहित कुल 24 व्यक्तियों ने खूनदान व प्लेटलेट्स दान किए। इससे पूर्व 3 हरियाणा बटालियन हिसार से पहुंचे सूबेदार जहीर खान व हवलदार साहिब सिंह ने एनसीसी यूनिट की सेवाओं व रक्तदान के महत्व के बारे में अवगत कराया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. एसबी आनंद ने रक्तदाताओं संदीप चौधरी, डॉ. कमलजीत, अमित पूनिया, पवन, सुमित, जगपाल, मनीष सहित सभी रक्तदाताओं को मानवता भलाई के सहयोग के लिए सम्मानित किया। ब्लड डोनेशन सर हमारा ईयरली या वीकली मंथली चलते रहते हैं। जो भी हमारे को बच्चों को जब हायर फार्मेशन से ऑर्डर आते हैं क्या कैंप लगाने हैं ब्लड डोनेशन के, उसके बारे में हम बच्चों को क्लोज करके इनसे पूछ करके रजामंदी से ही ब्लड डोनेट कराया जाता है, जो कि आगे किसी के भी काम आने वाली चीज़ है। कॉलेज हमारे को काफ़ी सपोर्ट और सहयोग भी कर रहा है, जिसमें कैंप के लिए भी, बच्चों के लिए भी खाने पीने का, और साथ ही ब्लड डोनेट करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। बोला अच्छी बात है, अच्छा है, आगे फ्यूचर में भी इस तरह से चलता रहना चाहिए। अवेलेबिलिटी जोश का देखते हैं सर, यहाँ पर काफ़ी अच्छा जोश है सभी का। गर्ल्स भी दे करके गए हैं, बॉयज़ भी दे रहे हैं, अभी कुछ और चल रहे हैं, कुछ और भी बच्चे आए हुए हैं जिनकी उम्र कम होने की वजह से उनको ब्लड नहीं दे सके। अदरवाइज़ उनको उम्मीद है कि 1-2 महीने बाद हमारी जब एज पूरी हो जाएगी तो हम ब्लड डोनेट करेंगे। सर, हमारे सासनाम जी बॉयज़ कॉलेज के सभी कैडेट्स, एनसीसी के कैडेट्स आज रक्तदान करने आए हैं, और ये एनसीसी डे 21 नवंबर को एनसीसी डे होता है, उसकी खुशी में सभी खूनदान करने आए। और ये अच्छी बात है खूनदान करना, क्योंकि एनसीसी भी एक आर्मी का ही पार्ट है, तो आर्मी बॉर्डर पर भी सेवा कर रही है और साथ में ही इंटरनल भी आर्मी सेवा कर रही है खून देके। हमें खून देना चाहिए। अभी जैसे मैं प्लेटलेट्स डोनेट कर रहा हूँ, ये डेंगू के जो मरीज़ हैं उनके लिए काम आएगा, ठीक है। और साथ में हमारे सभी कैडेट्स ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे कैडेट्स, और काफ़ी ने प्लेटलेट्स भी डोनेट किए हैं। तो मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा खून दान करें, और किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो हमारे देश में या विदेश में भी, तो आप ऐसा ना हो कि वो बिना खून के मर जाए, ठीक है। कम से कम हमारा ये फ़र्ज हो कि हम खून की वजह से किसी की जान ना जाने दें। सो थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.